नमस्ते, माय नेम इज़ नवनीत सिंह एंड आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट। और अपने इस चैनल के माध्यम से मैं आप तक वो वीडियोस लाना चाहती हूँ जो आपको आपके जीवन को इम्प्रूव करते हैं थ्रू साइंस बैक्ड टूल्स। और अगर आप मानते हैं कि आपके फूड में ये क्षमता है कि वो कोई भी बीमारी को आपसे दूर रख सकता है और बीमारियों को रिवर्स भी कर सकता है, तो ये चैनल आपके लिए ही है। आज हम एक ऐसे ही सिंपल फूड के बारे में बात करने वाले हैं जो हम भारत में हजारों साल से कम पिछले 10,000 साल से परंपरागत रूप से हर मौसम में खाते आ रहे हैं। कुछ दिन पहले मैं किसी से बात कर रही थी और बातों बातों में बात गई दही पर, दही और चीनी खाने की परंपरा पर। तो उन्होंने कहा कि दही और चीनी, जब हम छोटे थे तब हम कोई भी एग्ज़ाम देने जाते थे तो उसके पहले हमारे पेरेंट्स हमें दही चीनी खिलाकर ज़रूर भेजते थे और कहते थे कि ये खाने से, दही चीनी खाने से तुम्हारा एग्ज़ाम और अच्छा होगा। तो अब हम क्योंकि बड़े हो गए हैं तो अब हमें पता है कि वो कितना बड़ा अंधविश्वास था। उस समय तो मुझे उस व्यक्ति पर बहुत हंसी आई। ऑब्वियसली मैं उनके सामने नहीं हंसी, लेकिन मुझे उनकी सोच पर हंसी आई। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ऐसे और भी बहुत सारे लोग हमारे बीच में हो सकते हैं जिन्हें दही चीनी खाने की परंपरा रूढ़िवादी या सुपरस्टिशियस या अंधविश्वास लगती है, क्योंकि शायद ये परंपरा अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज़ में फॉलो नहीं होती, या फिर हमें इसके पीछे का कारण, इसके पीछे का साइंस हमें नहीं पता और हम अपनी अज्ञानता को अपने दादा दादी, अपने नाना नानी के परंपराओं पर मर देते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम दही चीनी के पीछे की साइंस के बारे में बात करें और साथ ही दही के भी हम अनगिनत फायदों के बारे में बात करें। तो हम दही चीनी मिलाकर क्यों खाते हैं, और स्पेशली तब जब हम कोई इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम देने जा रहे हों या फिर हम कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं जिसमें हमें फोकस की ज़रूरत है, क्लैरिटी ऑफ थॉट चाहिए और हमारा दिमाग काम रहे, हमें ऐसी सिचुएशन चाहिए। वेल, इसके पीछे का रीज़न ये है कि दही, उसमें खुद में ऐसे अच्छे बैक्टीरिया और ऐसे अच्छे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे डाइजेशन को परफेक्ट रखते हैं। एग्ज़ाम या वो इम्पॉर्टेंट काम के दौरान हमें कॉन्स्टिपेशन या ब्लोटिंग या लूज मोशंस जैसी प्रॉब्लम्स हो ही नहीं सकती और हम पूरी तरह से अपने काम पर फोकस कर सकते हैं। और साथ में दही खाने से हमारे बॉडी को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को और हमारे दिमाग को, हमारे ब्रेन को एक कूलिंग इफेक्ट मिलता है, एक ठंडक बनी रहती है ताकि हम अपनी ही बॉडी द्वारा डिस्ट्रैक्ट ना हो। और दूसरा एस्पेक्ट इसका है कि हम इसमें शक्कर मिलाकर क्यों खाते, क्योंकि शुगर या शक्कर एक इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि ये इंश्योर करता है कि जब हम वो इम्पॉर्टेंट काम कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो हमें लो एनर्जी या फटीग्ड ना फील हो, हमें ये ना फील हो कि हम थके हुए हैं और हम एनर्जी से भरे रहें, एक कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी हमें मिलती रहे, इसलिए हम उसमें चीनी मिलाकर खाते हैं। तो ये था साइंटिफिक रीज़न दही और चीनी मिलाकर खाने का। तो अगर आपको अभी तक लगता था कि दही चीनी खाना अंधविश्वास है, तो अब आप ये जान लीजिए कि वो अंधविश्वास बिल्कुल भी नहीं है, वो साइंस है। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारी दादियाँ, नानियाँ और उनके पहले के पूर्वज खाने के पीछे का साइंस बहुत अच्छी तरह से जानते थे। उन्हें पता था कि फूड के किन कॉम्बिनेशन से और उनको किस तरीके से खाने से मैक्सिमम न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम न्यूट्रिएंट एसिमिलेशन होता है और कौन से ऐसे फूड कॉम्बिनेशंस हैं जो हमारे शरीर को नुकसान करते हैं। लेकिन आज हम वो साइंस बहुत हद तक भूल चुके हैं और जो खाने की परंपराएं हमें समझ नहीं आती उनको हम पिछड़ा हुआ, रूढ़िवादी, अंधविश्वास कहकर आगे बढ़ जाते हैं और भागते हैं ग्रीक योगर्ट जैसी चीज़ों के पीछे जो कि कमर्शियली प्रोड्यूस्ड होती हैं, मास प्रोड्यूस्ड होती हैं। उनमें किस तरीके का मिल्क यूज़ हो रहा है हमें कोई आइडिया नहीं है, A1 दूध है या A2 दूध है, नो आइडिया। लेकिन वो एक्स्ट्रा प्रोटीन जो बहुत हैवीली मार्केट किया गया है फूड कंपनीज के द्वारा, जो कि ग्रीक योगर्ट में ही मिल सकता है, तो उस एक्स्ट्रा प्रोटीन के लिए हम घर के शुद्ध दही को इन्फीरियर मानते हैं
और 4 से 5 गुना ज़्यादा पैसे खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप जिस रीजन से बिलोंग करते हैं, अगर वहाँ पे भी ऐसी परंपराएं हैं खाने पीने को लेकर, तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम अपने देश की, अपने कंट्री की फूड कल्चर को और अच्छे से जान पाएं और उसके पीछे का साइंस भी हमें वापस पता चले, जो कि हम आज भूल गए। लेट्स टेक अ लुक एट द मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दैट आर प्रेजेंट इन होम सेट कर्ड। तो अलग अलग दही में इन मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी थोड़ी सी वेरी कर सकती है, लेकिन ये एक अप्रॉक्सीमेट नंबर्स में आपको बता रही हूँ। तो 200 ग्राम दही में लगभग आपको प्रोटीन मिलता है 10 ग्राम्स, आपको फैट मिलता है 8 ग्राम्स, जो कि मोस्टली मोनोअनसैचुरेटेड या मूफा और सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, सो दीज आर वेरी हेल्दी फैट्स। 15 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होता है, देन देर इज कैल्शियम, देर इज पोटेशियम, देर इज फॉस्फोरस और विटामिन B12 होता है। वेजिटेरियंस के लिए, क्योंकि हम मीट नहीं खाते, इसलिए वेजिटेरियंस के लिए विटामिन B12 के सोर्सेस काफ़ी कम हो जाते हैं, लेकिन दही एक ऐसा फर्मेंटेड फूड है जिसमें विटामिन B12 आपको बहुत आसानी से अच्छी मात्रा में मिल जाता है। ठीक है, विटामिन B2 भी होता है दही में, जिसे हम राइबोफ्लेविन कहते हैं, जो कि एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, तो हमारे हर एक सेल को वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से भी प्रोटेक्ट करता है। अब अगर प्रोटीन की बात करें, तो जहाँ ग्रीक योगर्ट में आपको सिर्फ केसीन प्रोटीन मिलता है, वहीं घर के जमे हुए दही में आपको केसीन और वे प्रोटीन दोनों मिलता है। जो दही होता है वो खुद तो केसीन प्रोटीन होता है, और जो उसका पानी होता है वो वे प्रोटीन होता है। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन के होने के वजह से आप एक प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट मील या स्नैक में दही को बहुत इफ़ेक्टिवली इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि दही आपको सिर्फ मसल बिल्डिंग में ही हेल्प नहीं करेगा, वो वर्कआउट के बाद आपकी मसल रिकवरी में भी बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा भी दही के बहुत सारे फायदे होते हैं, सो लेट्स टेक अ लुक एट सम ऑफ दोज बेनिफिट्स। दही एक फर्मेंटेड फूड होता है, और फर्मेंटेड फूड्स में प्रोबायोटिक्स की मात्रा बहुत अच्छी होती है। प्रोबायोटिक्स वो लाइव बैक्टीरिया होते हैं जो हमें पैथोजेनिक बैक्टीरिया से बचाते हैं। पैथोजेनिक मतलब डिजीज कॉजिंग, और दही में जो बैक्टीरिया होते हैं वो पैथोजेनिक नहीं होते, वो ग्राम पॉजिटिव या ओवरऑल गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। तो दही में ऐसे बैक्टीरिया या प्रोबायोटिक्स की मात्रा बहुत होती है। मोस्टली इसमें लैक्टोबैसिलस, बिफिडोबैक्टीरियम और स्ट्रेप्टोकॉकस बैक्टीरिया आपको मिलते हैं, और ये आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो अगर किसी को गट डिसबायोसिस है, गट डिसबायोसिस का मतलब कि आपके बैड बैक्टीरिया की मात्रा ज़्यादा है गट में और गुड बैक्टीरिया की मात्रा कम है, तो अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो दही के रेगुलर कंजम्पशन से उनका गट डिसबायोसिस बहुत कम हो सकता है और शायद ठीक भी हो सकता है, लेकिन ओवरनाइट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट ना करें। जब किसी को गट डिसबायोसिस होता है या उनकी गट हेल्थ अच्छी नहीं होती, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे डिजीजेस हो सकते हैं, जैसे कि मूड स्विंग्स हुए, अच्छा मूड ना होना, बहुत जल्दी चिड़चिड़ करना, स्किन हेल्थ अच्छी ना होना, हेयर हेल्थ अच्छी ना होना, बहुत ज़्यादा एजिंग के साइंस होना, बालों का कमज़ोर होना, इम्यूनिटी वीक होना, बहुत आसानी से बीमार पड़ जाना, क्लैरिटी ऑफ थॉट ना होना, एक ब्रेन फॉग वाली फीलिंग हमेशा बने रहना, थकान हमेशा फील करना, भले ही आप रात को कितना अच्छा और कितनी देर के लिए सोए हैं। तो अगर गट हेल्थ अच्छी नहीं है तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको होंगी। तो दही के रेगुलर कंजम्पशन से आप अपने गट हेल्थ को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं, और आप पाएंगे कि आपकी इम्यूनिटी इम्प्रूव हुई है, आप बहुत आसानी से बीमार नहीं पड़ते, आपकी एनर्जी लेवल्स अब लो नहीं है, आपको मोस्टली एनर्जेटिक फील होता है, आपके मूड अच्छे हो गए हैं, आपका थॉट प्रोसेस क्लियर हो गया है, आप क्लियरली सोच पाते हैं, ब्रेन फॉग जैसी प्रॉब्लम बहुत कम हो गई है, और साथ ही आपकी स्किन की हेल्थ, आपकी हेयर की हेल्थ इम्प्रूव हो गई है। देयर इज अ रेडियंस इन योर स्किन, देयर इज अ ग्लो एंड देयर इज अ यूथफुल अपीयरेंस, और आपके बालों में मजबूती आई है, हेयर फॉल, अगर हेयर लॉस है तो उसमें भी आपको कमी दिखाई दे रही है। दही से आपकी ओरल हेल्थ भी इम्प्रूव हो सकती है। ओरल हेल्थ मतलब कि जो आपका माउथ कैविटी है, इसमें जो आपका टीथ हैं, आपके गम्स हैं, इसकी भी हेल्थ इम्प्रूव हो सकती है,
क्योंकि दही में ऐसे अच्छे बैक्टीरिया होते हैं और हमारे माउथ में भी बहुत बैक्टीरिया होते हैं। अब वो अच्छे हैं या बुरे बैक्टीरिया हैं वो डिपेंड करता है कि हमारी डाइट कैसी है, हमारी ओरल हाइजीन कैसी है, उस पर डिपेंड करता है। तो जब आप दही खाते हैं तो आपका जो माउथ या ओरल कैविटी है वो गुड बैक्टीरिया से पॉपुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से बैड बैक्टीरिया की मात्रा आपके ओरल कैविटी में कम रहती है, जिसकी वजह से आपको टूथ डिके या कैविटीज़ की चांसेस कम हो जाती हैं। अगर आपको जिंजिवाइटिस या ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम है तो उसमें भी आपको इम्प्रूवमेंट दिखता है, और आपके दांत, क्योंकि दही में एक अच्छा सॉल्युबल फॉर्म ऑफ कैल्शियम होता है, तो आपके दांतों में, आपके बोन्स में हमेशा एक मजबूती बनी रहती है दही के रेगुलर कंजम्पशन से। अब देखें लैक्टोज इंटॉलरेंस के लिए दही कैसे फ़ायदा कर सकता है। अगर आपको या किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम है, आप दूध नहीं पी पाते, डेयरी प्रोडक्ट्स लेते ही आपको डायरिया और ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो भी आप दही बेफिक्र होकर आराम से खा सकते हैं, क्योंकि दही में जो लैक्टोज होता है वो ऑलरेडी डाइजेस्टेड होता है, तो दही का लैक्टोज कंटेंट बहुत कम होता है, जिसकी वजह से दही खाने से आपको ना ब्लोटिंग होगी, ना डायरिया होगा, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आराम से दही खा सकते हैं आप, और उसके पूरे पूरे फायदे आप ले सकते हैं। अगर आप लीकी गट से भी सफ़र करते हैं तो दही के रेगुलर कंजम्पशन से उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आता है, क्योंकि आपके इंटेस्टिनल परमीएबिलिटी को कम करता है, आपके इंटेस्टिनल वॉल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, ताकि जो बैक्टीरिया हैं वो आपके गट से निकल के आपके ब्लड और आपके दूसरे ऑर्गन्स तक ना फैल पाएं, जो कि बहुत ही डेंजरस कंडीशन होती है, जिसे हम लीकी गट कहते हैं। तो दही के रेगुलर कंजम्पशन से आपका लीकी गट भी बहुत इम्प्रूव हो सकता है। दही तब आपको ज़रूर खाना चाहिए अगर आप एंटीबायोटिक्स का कोर्स कर रहे हैं। क्यों खाना चाहिए? क्योंकि इसके दो रीजन्स हैं। पहला रीज़न ये कि जो एंटीबायोटिक्स खाते हैं उनको लूज मोशन या डायरिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो एंटीबायोटिक्स का कोर्स चलते समय अगर आप हर रोज़ दही खाएंगे, एंटीबायोटिक्स भी लेंगे, हर रोज़ दही खाएंगे, तो ये जो होने वाला डायरिया है उसको आप पूरी तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। और दूसरा रीज़न ये कि एंटीबायोटिक्स खाने से जो आपके गट में बैक्टीरिया होते हैं वो परमानेंटली ख़त्म हो जाते हैं, और ये कोई भी एंटीबायोटिक हो सकती है, पर इफ़ेक्ट वही होता है कि आपके गट बैक्टीरिया परमानेंटली ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जब आप दही खाते रहेंगे एंटीबायोटिक्स के साथ साथ, तो बहुत हद तक आप अपने गट के बैक्टीरिया को अच्छे बैक्टीरिया से रीपॉपुलेट कर सकते हैं, ताकि जो ये इफ़ेक्ट है गट हेल्थ पे, जो इसका बुरा असर पड़ता है एंटीबायोटिक्स का, वो कम से कम हो। ठीक है, तो जो एंटीबायोटिक्स लेते हैं उन्हें तो ज़रूर ही हर रोज़ दही खाना ही चाहिए। अगर ठंडी का मौसम है और आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, तो ये इंश्योर करें कि वो फ्रिज से निकाला हुआ दही ना हो, वो रूम टेम्परेचर पे आ चुका हो। दिन के समय खाएं, मील का हिस्सा उसको बनाकर खाएं, और उसमें थोड़ी सी काली मिर्च और भुना हुआ जीरा ज़रूर मिलाकर खाएं, ताकि आपको जुकाम या आपके थ्रोट में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं और आप चाहते हैं कि हम ऐसे और वीडियोस बनाएं जिसमें हम सिंपल फूड्स को लेकर उनके अलग अलग फ़ायदे डिस्कस करें, तो कमेंट्स में प्लीज़ ये लिखें, मेक मोर वीडियोस लाइक दिस, तो मुझे ये पता चलेगा कि आप चाहते हैं कि मैं ऐसे वीडियोस और बनाऊं। और अगर आप अपनी हेल्थ कंडीशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, या फिर आप किसी को जानते हैं जो अपनी हेल्थ कंडीशन इम्प्रूव करना चाहते हैं, फिर वो सिंपली वेट लॉस हो या वेट गेन हो, या फिर और सीरियस हेल्थ कंडीशंस हो जैसे PCOD, PCOS, इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज या कुछ और, तो मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट होने के नाते आपकी मदद कर सकती हूँ। तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन द नंबर गिवन हियर, और सेंड मी एन ईमेल ऑन माई ईमेल ID मेंशन्ड ओवर हियर, एंड फ्रॉम देयर वी कैन बिगिन योर जर्नी टुवर्ड्स गुड हेल्थ। Thank you so much for watching, and if you like my video, subscribe to my channel. I hope you have a wonderful day ahead. Namaste.